अलन करियर इंस्टीट्यूट कोटा राजस्थान। हाँ मेरे दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ एक कोचिंग के बारे में। तो ये है टॉप प्लेलिस्ट, जहाँ पे आप फेसबुक, टॉप स्कूल्स, टॉप कोचिंग, बहुत से प्लेलिस्ट है। आप वीडियो देख सकते हैं मेरे दोस्तों। अगर आईआईटी के और वीडियो देखना है इंडिया लेवल पे बेस्ट कोचिंग, तो आप टॉप कोचिंग के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं मेरे दोस्तों। ये कम्युनिटी टैब है जहाँ पे लाइव वोटिंग चलती रहती है मेरे दोस्तों। यहाँ पे आप आके पार्टिसिपेट करें और लाइव रिजल्ट जाने मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे आना ना भूलें मेरे दोस्तों। यहाँ पे टॉप रैंकर फॉर यू कोई एडवाइस नहीं देता, केवल इन्फॉर्मेशन देता है, और आशा करते हैं कि हमारा साथ थोड़ा सा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए टॉप रैंकर फॉर यू के द्वारा रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कोचिंग के बारे में कि एक कोचिंग जो है कि बताया था एलन, जो कि कोटा में है, और इसका एड्रेस है संकल्प CP6 इंडिया और राजेश महेश्वरी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। मेरे दोस्तों, इसके ब्रीफ के बारे में बताया, 1988 में इस कोचिंग की स्थापना हुई थी। और बेसिकली इसके बाद डॉक्टर के जी वैष्णव, जो कि बायोलॉजी के प्रोफेशनल हैं, बेसिकली ये टीचर हैं और ज्वाइन किए थे इनके साथ मेरे दोस्तों। ये कोचिंग बहुत अच्छा है और 1991 में 12 सिलेक्शन के बाद ये कोचिंग हाईलाइट में आ गई थी मेरे दोस्तों। थोड़ा सा और डिटेल में बता देना चाहता हूँ कि यह कोचिंग जो है तब 2016 में बहुत ज्यादा हाईलाइट में आई थी, जहाँ से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड IIT से और मेडिकल से दोनों से रैंकिंग आया था मेरे दोस्तों। ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग, इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप, APJ अब्दुल कलाम के द्वारा बोला गया था। और मेरे दोस्तों, रियली इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है, तभी आज एलन का नाम बहुत ही नाम ज्यादा है और लोग चाहते हैं कि इसमें एडमिशन ले। मेरे दोस्तों, एलन कोटा का जो सेंटर है बहुत बहुत ही ज्यादा है। कोटा में इटसेल्फ आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत से ज्यादा सेंटर हैं और किसी भी सेंटर में आप एडमिशन ले सकते हैं मेरे दोस्तों। बिलीव इन योर सेल्फ, वॉट यू कैन डू इट। मेरे दोस्तों, यहाँ पे देखिए ऑडिशन सेंटर था, और इसके बाद एक्स्ट्राकुलर एक्टिविटी की बात करें तो एलन जो हर तरह की चीजों में, चाहे योगा सेशन हो, साइंस लैब है, कंप्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल हो, हर तरह की मटेरियल प्रोवाइड करता है और इंडियन एथिक वैल्यू को भी बताता है मेरे दोस्तों। न्यू इनिशिएटिव इंटेलिब्रेन वर्कशॉप स्टार्ट किया गया एलन के द्वारा, जहाँ पे हर तरह की आपको चीजें मिल जाएंगी, चाहे रक्षाबंधन का उत्सव हो, गरबा सेलिब्रेशन हो, मकर संक्रांति हो, हर तरह की इंडियन एथिक वैल्यू को यहाँ समझाने की कोशिश किया जाता है पढ़ाई के साथ साथ। इसके बाद मेरे दोस्तों, आप देख सकते हैं बच्चों को मोटिवेटेड रहने के लिए बहुत से अच्छे स्पीकर बुलाए जाते हैं और संस्कार महोत्सव भी चलता रहता है मेरे दोस्तों। इसके बाद मैं बात करता हूँ फैसिलिटीज की, तो फैसिलिटी आप देख सकते हैं हर तरह की फैसिलिटी से भरपूर है। ERP डेवलपमेंट सेंटर है यहाँ पे, स्टडी मटेरियल के लिए पब्लिशिंग डिपार्टमेंट है, इंटरनेट सपोर्ट है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, आप जैसे एलएन संवाद चलता रहता है, डाटा प्रोसेसिंग सेंटर, इसका अपना हर चीज सेंटर है और ये एलन का इंफ्रास्ट्रक्चर ये बहुत ही अच्छा है मेरे दोस्तों। इसके बाद अगर बात करें हॉस्टल की, तो कोहिनूर हॉस्टल, जो कि आसानी से हॉस्टल मिल नहीं जाता केवल टॉपरों के लिए मेरे दोस्तों, ये हॉस्टल है और रियली जो अच्छा परफॉर्म करता है रैंक वन होल्डर के लिए स्कॉलरशिप मोड 5,000 रुपीज है, और इस तरह से रैंकिंग के हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा मेरे दोस्तों। तो एलन चाहता है कि जो भी अच्छे स्टूडेंट है उनको रियली बहुत हेल्पफुल हो, उन्हीं के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज है मेरे दोस्तों। इसके बाद अगर बात करें टीचिंग मेथडोलॉजी की, तो मेरे दोस्तों यहाँ पे टीचिंग मेथडोलॉजी, जिससे टीचर बहुत एक्सपर्ट हैं और पीरियडिक टेस्ट चलते रहते हैं मेरे दोस्तों। और इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए भी टीचर्स डायरेक्टर की भी मीटिंग भी होती है फैकल्टी के साथ, और डायरेक्ट स्टूडेंट के साथ भी मीटिंग चलती रहती है, पेरेंट टीचर मीटिंग भी होती रहती है मेरे दोस्तों। आप देख सकते हैं कि मल्टी डायमेंशनल परफॉर्मेंस एनालिसिस, जो कि LNCSAT का मोबाइल ऐप है, पेरेंट्स अपने बच्चे का परफॉर्मेंस मोबाइल से ऑनलाइन दे सकते हैं। फैकल्टी फीडबैक सिस्टम, आप किसी फैकल्टी के बारे में फीडबैक दे सकते हैं, पीरियडिक टेस्ट चलता रहता है मेरे दोस्तों। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको हम CBT शॉर्ट में बोलते हैं, और टॉप लैब फॉर ऑनलाइन टेस्ट की फैसिलिटी यहाँ पे है मेरे दोस्तों। अगर बात करें तो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम भी एलन के द्वारा चलाया जाता है, जो चाहे क्लास 11th 12th हो या किसी तरह के बच्चे हों, सबके लिए चलाया जाता है मेरे दोस्तों। और यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए फीस स्ट्रक्चर, हाउ टू अप्लाई, अबाउट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, चाहे स्टडी मटेरियल हो, टेस्ट सीरीज हो, या किसी तरह के पैकेज हो, चाहे सारी चीजें वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी मेरे दोस्तों। इसके बाद जो है टीचिंग मेथडोलॉजी में अगर बात करें मेडिकल सेक्शन में, तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ज्यादा फोकस किया जाता है, लेक्चर बेसिस क्लासेस होते हैं, रिविजन क्लासेस होते हैं, डाउट सेशन के लिए भी क्लासेस होते हैं, स्मार्ट स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसपे बेसिकली टॉपिक वाइज सब्जेक्ट मॉड्यूल और क्वेश्चन बैंक
बहुत ही हेल्पफुल होते हैं मेडिकल एग्जाम में क्वालिफिकेशन करने के लिए. जैसे मैंने बताया था इंटेलिजेंट टेस्ट सिस्टम भी है जिसमें बेसिकली हर बेसिकली करेंट सिलेबस को कवर किया जाता है, उसके बेसिस पे टेस्ट होते रहते हैं मेरे दोस्तों. इसके बाद अगर हम बात करें तो फैकल्टी की, तो ऑब्वियसली एलएन की फैकल्टी बहुत अच्छा है, अदरवाइज रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा. तो लोग पूछते हैं कि एलएन के टीचर को कितना मिलता है, तो ऑन एन एवरेज 10-15 लाख रुपीज मेरे दोस्तों मिलता है. और ऐसा नहीं है, लोगों को जो न्यू कमर होते हैं जो अपनी टीचिंग लाइन में पढ़ाना चाहते हैं तो 4-7 लाख भी मिलते हैं. और ऐसा भी नहीं है, करोड़ों में भी सैलरी मिलती है. जैसा कि एक कोरा के व्यूअर ने बोला है कि हेड ऑफ फिजिक्स एंड एलेंसर राजेश मैसूरी को 5 करोड़ रुपीज तक वो सैलरी उठाते हैं मेरे दोस्तों. तो ऐसा नहीं है, जो भी टीचर अच्छा काम करता है रियली लोगों का प्रॉब्लम को सॉल्व करता है उनकी सैलरी करोड़ों में भी होती है. तो सैलरी फाउंडेशन नहीं है मेरे दोस्तों. अगर अवार्ड एंड अचीवमेंट की बात करें तो मेरे दोस्तों जहाँ पे ASPS जिसको एलएन स्कॉलरशिप फॉर प्रिपरेटरी स्टडी बोलते हैं मेरे दोस्तों, यहाँ पे स्कॉलरशिप बच्चों को दी जाती है, टोटल फी में थोड़ी सी डिस्काउंट दी जाती है. इसके बाद ACES जिसको ACES को आप जैसे एलएन कम्पिटिटिव एज स्कॉलरशिप, बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट जो होती हैं रियल कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको थोड़ी सी डिस्काउंट दी जाती है बाय प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन फैसिलिटी. तो जिसको हम ACES बोलते हैं मेरे दोस्तों, मेरा थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ ताकि सारी चीजें कवर कर सकूँ, ताकि आपको एलएन के बारे में सारी डिटेल मैं दे सकूँ मेरे दोस्तों. इसके बाद अगर टेक्निकल स्टडीज अगर IIT की कर रहे हैं और IIT में अच्छा परफॉर्म किया तो हायर स्टडी के लिए भी ARTS प्रोग्राम के तहत थोड़ी सी डिस्काउंट मिलती है. उसी तरह मेडिकल में ARMS जो कि ARTS की तरह ही है, सिमिलर जो है स्टडी में मेडिकल के स्टूडेंटों को एलएन जो है कुछ क्या बोल लोगों को हेल्प करता है हायर स्टडी के लिए मेरे दोस्तों. इसके बाद देखिए दैनिक जागरण, एलएन है तो मुमकिन है, एलएन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में प्रवेश की को देगा कोचिंग, एम्स में कोटा स्टूडेंट बोले कोटा है तो मुमकिन है, एम्स रिजल्ट टॉप 10 में एलएन के 9 विद्यार्थी. तो मेरे दोस्तों एलएन की न्यूज, एलएन की खबर जो है हर न्यूज मीडिया में आपको मिल जाएगी. बुनकर का बेटा मनोहर लाल बनेगा डॉक्टर, एलएन ने बहुत सपोर्ट किया है, एलएन स्टूडेंट करेंगे इंटरनेशनल साइंस कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व. तो मेरे दोस्तों एलएन रियली बहुत ही हेल्पफुल है और अच्छे स्टूडेंट को बहुत ही सपोर्ट करता है मेरे दोस्तों. तो अगर कोर्स डिटेल की बात करें तो नर्चर क्लास जो दो साल का प्रोग्राम होता है मेरे दोस्तों, जहाँ पे बेसिकली अगर क्लास 11th में है और तो आप ये प्रोग्राम ले सकते हैं मेरे दोस्तों. इंथुसियास जो कि 1 ईयर कोर्स फॉर क्लास 12th स्टूडेंट होता है और हिंदी इंग्लिश मीडियम से आप कोई भी मीडियम चूज कर सकते हैं और एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं मेरे दोस्तों. इसके अलावा मैं बात करता हूँ न्यूज एंड अलर्ट इन मीडिया की, तो मेरे दोस्तों जैसे एलएन मैंने पहले भी बता रखा है कि एलएन है तो मुमकिन है, इस तरह की चीजें आपको मिल जाएंगी. और मेरे दोस्तों ये टॉपर हैं जैसे कार्तिकेय गुप्ता ऑल इंडिया रैंकिंग, और इस तरह से 2017 में सर्वेश मेहतानी ऑल इंडिया रैंकिंग 1 जिसकी शिक्षा में इंटरव्यू भी छपा था मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम में भी खबर छपा है. आप देख सकते हैं कि बहुत से टॉपर हैं मेरे दोस्तों, तो सारे का नाम मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि एलएन क्यों पॉपुलर है. तो मेरे दोस्तों अगर इसकी बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो एडमिशन प्रोसीजर रियली सब लोग जानना चाहता है कि किस तरह का एडमिशन जो कि ASAT जिसको हम बोलते हैं एलएन स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट, इसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे एलएन जो है स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है. और बेसिकली आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे नर्चर क्लास 10th से 12th में 11th में मूव कर रहे हैं तो उसके लिए, एंथुसियास्ट जो कि क्लास 11th से 12th में मूव कर रहे हैं उसके लिए, और लीडरशिप प्रोग्राम सारे क्लास 12th के पास स्टूडेंट के लिए है जो पास आउट हो गए हैं. तो मेरे दोस्तों ये सैंपल पेपर है, बेसिकली एक सैंपल पेपर मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया है नर्चर कोर्स का, ताकि आप देख सकते हैं. वैसे सैंपल पेपर इनकी वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं. तो मेरे दोस्तों अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो सब लोगों को जानना चाहते हैं कि फीस कितनी है एलएन की. आपने बहुत बात करी लेकिन फीस के बारे में बता देना चाहता हूँ कि GMAN एडवांस क्लास 11th एंड 12th की यहाँ पे फीस दी गई है, एक जो कि ये बेसिकली डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेस है. अगर एलएन से करना चाहते हैं तो फीस टोटल पे आपको पे करना होगा. मेरे दोस्तों टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, लेकिन मेरा मेन एम है कि आपको बता दूं कि एलएन क्या क्या कोर्सेस चलाता रहता है. तो डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेस कि मैं यहाँ बात करता हूँ, क्लास 11 टू ईयर का भी प्रोग्राम चलते रहते हैं. वैसे मेरे दोस्तों क्लास 12th के लिए भी जो 1 ईयर का कोर्स है उसके लिए फीस दी गई है, डिफरेंट सेक्टर में फीस दी गई है. उसे GMAN क्लास 11th एंड 12th के लिए भी ये डिस्टेंस कोर्सेस चल रहा है. तो मेरे दोस्तों मेरा कहना का मतलब ये है कि आप डिस्टेंस कोर्सेज भी अगर आप एलएन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं. तो मेडिकल के लिए भी आप देख सकते हैं कि मेडिकल के लिए भी
यहाँ पे फी स्ट्रक्चर बताई गई है मेरे दोस्तों। ये डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम जैसे IDSG के लिए, GMAN के लिए भी चलता है, नीट के लिए भी चलता है, और इसके अलावा प्री नर्चर एंड करियर फाउंडेशन जो कि क्लास 6 से क्लास 10th के लिए, NTSC ओलंपियाड एग्जाम के लिए भी कोर्सेज चलते रहते हैं मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों जैसे कि बताया आपको कि लीडर मतलब 1 ईयर कोर्स क्लास 12th पास आउट के लिए बच्चों के लिए, इंग्लिश और हिंदी मीडियम किसी से भी ये प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं मेरे दोस्तों। तो अगर लमसम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि नर्चर क्लास के लिए अगर टोटल अमाउंट की फीस अराउंड 1,35,000 के लगभग है, और इंथुसियास्ट के लिए फीस दी गई है, और लीडरशिप के लिए 1,40,000। लेकिन मेरे दोस्तों ये इस ईयर की फीस है, इसका मतलब ये नहीं कि आगे फीस बढ़ेगी नहीं, तो फीस टाइम टू टाइम बढ़ती जाती है। इसलिए मैं चूंकि आपको बताना चाह रहा था कि एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको देख सकते हैं मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों स्कॉलरशिप भी एलन देता है क्योंकि ये चाहता है कि जो भी अच्छे स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा डिस्काउंट मिले। तो अगर स्टेट बोर्ड से अगर टॉपर है, टॉप 15 मेरिट में है, तो आपको 50% तक डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे दोस्तों। वहीं 12th में भी अगर टॉप 15 मेरिट लिस्ट में तो 50% डिस्काउंट मिल जाता है। वैसे 90% अगर CBSE में या ICSE बोर्ड में लाते हो तो 10% तक का डिस्काउंट आपको मिल जाता है। और बहुत से सेक्शन है, मैं यहाँ पे लिस्ट है, अगर आपको डिटेल में जाननी है तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों इसके अलावा मैं बताया था कि डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर चलते रहते हैं, जैसे कि नर्चर प्रोग्राम, इंथुसियास्ट, लीडर, और बहुत से कोर्सेस हैं जहाँ पे यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश किया है एक आपको आइडिया लेने के लिए। उसी तरह से मेडिकल के लिए सेम चीज है, जैसे IIT-G के एग्जाम के लिए वैसे ही स्कॉलरशिप प्रोग्राम की लिस्ट किया गया है मेरे दोस्तों। मैंने कोशिश किया कि ज्यादा से ज्यादा एलन के बारे में कवर कर सकूं मेरे दोस्तों। अगर आपको ज्यादा डिटेल लेना है तो मैं एलन की वेबसाइट वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, वहां से आप जानकारी ले सकते हैं। वैसे IIT-G कोचिंग या मेडिकल के बारे में कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप TopRanker4U से कंसल्ट कर सकते हैं। कैसे कंसल्ट करना है मेरे दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन से पता चल जाएगा। वैसे मेरे दोस्तों अगर आप हॉस्टल खोज रहे हैं या IIT-G का किसी तरह का इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो TopRanker4U से कंसल्ट कर सकते हैं। TopRanker4U की वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वैसे IIT-G की बहुत सी कोचिंग इंडिया में जो बेस्ट कोचिंग है TopRanker4U पे लिस्टेड है, आप वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मेरे दोस्तों अगर पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे दोस्तों अगर कुछ भी पूछना तो आप कमेंट सेक्शन का भी सहारा ले सकते हैं, और TopRanker4U कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन से हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। TopRanker4U जो है कमेंट को पढ़ता है और रिप्लाई टाइम टू टाइम करता रहता है मेरे दोस्तों। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि कोई भी वीडियो अगर एजुकेशन से रिलेटेड अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखा बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे दोस्तों व्हाट्सएप इतना फैला दो कि कोई बच्चा जो IIT-G है या मेडिकल से रिलेटेड कोचिंग खोज रहा तो सबके माँ बाप को पता चल जाए। वीडियो को लास्ट तक देखा बहुत बहुत धन्यवाद।